टीपा यानी कि टेक्निकल इमेज प्रेस एसोसिएशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको दुनिया के बहुत से फोटोग्राफी मैगजीन्स मिलकर रन करते हैं, जिनमें से जो इंडिया में एक मैगजीन है जिसका नाम है बेटर फोटोग्राफी, वो उसका मेंबर है। इंडिया का सिर्फ एक ही मैगजीन है जो उसका टीपा एसोसिएशन का मेंबर है। अब टीपा हर साल अवार्ड निकालता है टीपा वर्ल्ड अवार्ड के नाम से, जिसमें बेहतरीन फोटोग्राफी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग की जाती है। बहुत से उस पर्टिकुलर ईयर के फोटोग्राफी प्रोडक्ट्स को आपस में देखा जाता है और जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी वोटिंग के थ्रू उनमें से बेस्ट प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। अब इनमें कैमरास की कैटेगरी होती है, लेंसेज की होती है, एक्सेसरीज की होती है, जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स या फोटोग्राफी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसकी वोटिंग होती है। टीपा 2021 अवार्ड्स भी आ चुके हैं और उनके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बेस्ट फोटोग्राफी प्रोडक्ट ऑफ 2021, जिसमें कैमरा, लेंसेज, एक्सेसरीज और सॉफ्टवेयर्स सब कुछ होने वाले हैं, इवन आपके मॉनिटर्स और फ्लैशेस भी। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये कोई एक आधा बंदा सिलेक्ट नहीं करता है, ये बहुत से लोगों की वोटिंग के से ही सिलेक्ट होता है। और बहुत सी अमेजिंग मैगजीन्स हैं जहाँ पर इन प्रोडक्ट का पूरा इन डेप्थ रिव्यू होता है, पूरे डिटेल्स में फोटोग्राफ्स क्लिक की जाती है प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स द्वारा और एक्सपर्ट्स द्वारा ही राय दी जाती है कि कौन सा बेहतर है या कौन सा बेहतर नहीं है। तो मैं आपके सामने जो भी लिस्ट लेकर आऊँगा वो एक नंबर के प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे। अगर आप उनको ख़रीदना चाहते हैं गो फॉर इट, आँख बंद करके आप उन्हें खरीद सकते हैं। उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर वो इंटरनेट पे कहीं भी अवेलेबल हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट विद कैमरास। तो सबसे पहला अवार्ड है बेस्ट APS-C कैमरा एंट्री लेवल का, और ये अवार्ड जीता है कैनन EOS M50 मार्क II। उसके बाद आता है बेस्ट APS-C कैमरा एडवांस में, और ये चुना है इन्होंने फूजी फिल्म X710, ये अवार्ड इसको जाता है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैमरा कैटेगरी, इट इज़ बेस्ट APS-C कैमरा एक्सपर्ट, यानी क्रॉप सेंसर में एक्सपर्ट लेवल का कैमरा, तो इसमें आता है पेंटेक्स K3 मार्क III। अब हम चलते हैं फुल फ्रेम कैमरास की कैटेगरी के अंदर, और सबसे पहला फुल फ्रेम कैमरा एडवांस में है निकोन Z6 मार्क II। उसके बाद बेस्ट फुल फ्रेम कैमरा एक्सपर्ट के अंदर चलते हैं, निकोन Z7 मार्क II ने ये अवार्ड जीता है। बेस्ट फुल फ्रेम प्रोफेशनल कैमरा की अगर तरफ चले हम तो ये अवार्ड जीता है नन अदर देन सोनी Alpha 1। जब ये कैमरा लॉन्च हुआ था तो मैं इस कैमरा को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इसमें ऐसे फीचर्स से भरे हुए इतने कॉम्पैक्ट कैमरास के अंदर, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते आज से 4 या 5 साल पहले कुछ इस तरह के फीचर्स इन इस तरह की कॉम्पैक्ट बॉडी के अंदर भी आएंगे। देन बेस्ट फोटो और वीडियो कैमरा एडवांस में अवार्ड जाता है सिग्मा FP-L को। उसके बाद बेस्ट फोटो वीडियो कैमरा एक्सपर्ट में अवार्ड जाता है सोनी Alpha 7S Mark III। जैसा मैंने आपसे कहा इन सभी कैमरास के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इन कैमरास के बारे में ज़्यादा डिटेल्स अगर जानना चाहते हैं तो आप वहां से जान सकते हैं। उसके बाद लास्ट में एक मीडियम फॉर्मेट कैमरा के ऊपर चलते हैं, और बेस्ट मीडियम फॉर्मेट कैमरा का अवार्ड जीता है फूजी फिल्म GFX 100S ने। तो ये थे हमारे सारे कैमरास, एंट्री लेवल से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक के कैमरास। आपने देख लिया कौन से कैमरा ने कौन सा अवार्ड जीता है। सो अब जब भी आपके माइंड में आए बेस्ट फुल फ्रेम कैमरा, बेस्ट क्रॉप सेंसर कैमरा, बेस्ट एडवांस लेवल कैमरा, ये सारे के सारे लिस्ट को आप रेफर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हम लोग चलेंगे लेंसेस की तरफ। बेस्ट प्राइम वाइड एंगल लेंस पहली कैटेगरी है, और इसमें अवार्ड जीता है लाओवा 15mm f/4.4 0D शिफ्ट लेंस ने। बहुत ही स्ट्रेंज सा लेंस है, मैंने नाम भी इसका पहली बार सुना है, मैंने आज तक इस तरह के लेंसेज को कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो दैट्स वाई मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखता हूँ इस लेंस के बारे में। उसके बाद बेस्ट प्राइम स्टैंडर्ड लेंस का अवार्ड जो मिला है वो मिला है सोनी FE50mm f/1.2G मास्टर लेंस। देन बेस्ट प्राइम टेलीफोटो लेंस का अवार्ड मिला है कैनन RF 600mm f/11 IS-STM। बेस्ट वाइड एंगल जूम लेंस का अवार्ड मिला है निकोन निकोर Z14-24mm f/2.8S। बेस्ट स्टैंडर्ड जूम लेंस का अवार्ड मिला है टैमरोन को। आई एम रियली शॉक्ड विद दिस, क्योंकि टैमरोन भी अपने काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लेंसेज के साथ में अभी मार्केट में उतर चुका है, और टैमरोन का जो 70-70mm है, 17-70mm f/2.8 DI Mark III AVC-RXD मॉडल इसका है B070, इसको अवार्ड मिला है बेस्ट स्टैंडर्ड जूम लेंस का। बेस्ट टेलीफोटो जूम लेंस इसमें कौन सा होगा, टैमरोन 70-180mm f/2.8, अगेन टैमरोन भी टेलीफोटो जूम लेंस के अंदर अवार्ड लेकर गया है इस बार। बेस्ट
अल्ट्रा टेलीफोटो जूम लेंस, और इसमें अवार्ड मिला है सिग्मा 100-400 mm। ये जो टैमरॉन और सिग्मा, ये जो ब्रांड है थर्ड पार्टी ब्रांड, ये सिर्फ और सिर्फ लेंसेज के ऊपर ही फोकस करती है। तो जाहिर सी बात है इन लोगों की लेंसेज के अंदर क्वालिटी भी देखने को मिलेगी आप लोगों को। सो अगर आपके कभी माइंड में इस तरह का क्वेश्चन आए कि क्या टैमरॉन या सिग्मा के लेंसेज बेटर होंगे, जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लेंसेज के ऊपर काम करने के लिए। तो आपके सामने देख भी लिया, इन लोगों को अभी अवार्ड में मिला है। उसके बाद आता है बेस्ट पोर्ट्रेट लेंस। बेस्ट पोर्ट्रेट लेंस का अवार्ड मिला है सिग्मा 85mm f/1.4 DG DN 8। उसके बाद अगला अवार्ड है बेस्ट मैक्रो लेंस का, और ये अवार्ड जीता है सिग्मा 105mm f/2.8 DG DN मैक्रो ने। ये भी 8 सीरीज का लेंस है। तो ये थे सारे लेंसेज की कैटेगरी। नाउ मूविंग ऑन टू अवर थर्ड कैटेगरी, और इसमें है वीडियो कैमरास, बेस्ट व्लॉगर कैमरा। नाउ मेरा M50 और सोनी ZV-1 के बीच में थोड़ा सा था कि शायद M50 अवार्ड ले जाए, बट मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि सोनी ZV-1 ने ये अवार्ड को जीता है। और ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ कैमरा है सोनी ZV-1। आप इसके अगर यू नो YouTube पे वीडियोस भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हैंडी कैमरा है। रिकॉर्ड बटन आपके सामने मिल जाता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मतलब आपको ज़्यादा सेटिंग्स छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। आप अगर बिगिनर है, व्लॉगिंग शुरुआत कर रहे हैं, जस्ट हिट रिकॉर्ड, आप कहीं भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ईजी टू कैरी है, पॉकेट में आ जाएगा आपकी, इतना कॉम्पैक्ट कैमरा है। ट्रस्ट मी, बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा का अवार्ड इसको ही जाना चाहिए। उसके बाद है बेस्ट प्रोफेशनल वीडियो कैमरा, और इसमें अवार्ड जीता है पैनासोनिक के लुमिक्स DC BGH1 ने। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हम लोग चलते हैं एसेसरीज की तरफ और आगे की कैटेगरीज की तरफ। बेस्ट फोटो प्रिंटर कैटेगरी का अवार्ड मिला है कैनन इमेज प्रोग्राफ प्रो 300 को। बेस्ट इमेजिंग सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट का अवार्ड मिला है जोनर फोटो स्टूडियो X, मैंने आज तक यूज नहीं किया है ये। बेस्ट इमेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल का अवार्ड मिला है DXO फोटो लैब 4। ये वाला मैंने इस्तेमाल करके देखा है सॉफ्टवेयर, और अब इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नॉइस रिडक्शन मेरे को ज़्यादा बेहतर लगता है एज़ कम्पेयर टू Lightroom। Lightroom में उतना ज़्यादा नॉइस रिडक्शन में काम करना बाकी है अभी, बट इसने काफ़ी अच्छे से काम किया है नॉइस रिडक्शन के। अगर मैं एंट्री लेवल कैमराज के भी नॉइस रिडक्शन करता हूँ तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट कैटेगरी, बेस्ट लाइटिंग टेक्नोलॉजी प्रो फोटो एयर X। ये जो मोबाइल फोटोग्राफी के अंदर है उसमें एकदम ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आया है, क्योंकि मोबाइल फोटोग्राफी में आज से पहले एक्सटर्नल फ्लैशेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे हम लोग, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग आईफोन के साथ में एक्सटर्नल फ्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रो फोटो की फ्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक एफ स्टोपर ने वीडियो भी डाली थी, मैं आपको लिंक में दे दूंगा वीडियो, वो आप चेकआउट कर सकते हैं जाके कि ये लाइट किस तरह से काम कर सकती है और करती है। बहुत अमेजिंग लाइट है, और आई होप कि एंड्रॉयड के अंदर भी बहुत जल्दी ये लोग इस तरह का कुछ फीचर दें। उसके बाद बेस्ट पोर्टेबल फोटो फ्लैश का अवार्ड जीता है Godox पॉकेट फ्लैश AD100 Pro, जो कि बहुत से लोगों के फेवरेट फ्लैश है। बेस्ट ट्राइपॉड का अवार्ड जीता है Vanguard VEO 3 Go Series ने। बेस्ट ट्राइपॉड हेड का अवार्ड जीता है Gizo बॉल हेड सीरीज 4 ने। बेस्ट गिम्बल सिस्टम का अवार्ड जीता है Manfrotto फास्ट गिम बूम एंड गिम्बल सीरीज ने। बेस्ट एंथुसियास्ट फोटो मॉनिटर का अवार्ड जीता है ViewSonic VP2768A ने। बेस्ट प्रोफेशनल फोटो मॉनिटर का अवार्ड जीता है LG अल्ट्रा वाइड थंडरबोल्ट 4। नाउ स्मार्टफोन कैटेगरीज में बेस्ट फोटो स्मार्टफोन का अवार्ड सोनी एक्सपीरिया 1 सेकंड। बेस्ट वीडियो एसेसरी का अवार्ड जीता है रोड वायरलेस गो 2 ने। बेस्ट फोटो एसेसरी का अवार्ड जीता है होया प्रो एनडी ग्रेड सर्कुलर ग्रेजुएटेड एनडी फिल्टर्स। लास्ट में आता है बेस्ट इमेज कंप्यूटर, और ये अवार्ड मिला है Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 को। सो ये थे कुछ अवार्ड्स टीपा के द्वारा टेक्निकल इमेज प्रेस एसोसिएशन। टेल मी अबाउट द रिव्यूज, टेल मी अबाउट योर थॉट्स ऑन दिस प्रोडक्ट्स, और आपको क्या लगता है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट बेहतर परफॉर्म कर सकता था या बेहतर हो सकता था, नीचे कमेंट्स में मुझे बताना। मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना उनको भी, ताकि अवार्ड्स के बारे में नॉलेज मिल सके। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, तब तक के लिए नमस्कार।